प्रिंसिपल मैडम और सभी गुरुजनों और मेरे दोस्तों, आप सभी को सुप्रभात। मैं आज सभी को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। स्वतंत्र दिवस के ऐतिहासिक पद पर मुझे कुछ बोलने का मौका मिला है, इससे मैं अपने आप को सम्मानित महसूस कर रही हूँ। भारत जिसने अपना अस्तित्व खो दिया था, आज से 74 वर्ष पूर्व भारत को अंग्रेजों के गुलामी से आज़ादी मिली थी, पूर्ण अपनी पहचान मिली। अंग्रेज भारत आए और यहाँ के परिवेश को बड़ी ध्यान से जानने और परखने के बाद हम पर आक्रमण किया और तकरीबन 200 वर्षों तक शासन किया। हमारे वीर योद्धाओं ने कई लड़ाई लड़ी और उसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी और तकरीबन 200 वर्ष तक हम भारतीयों पर अत्याचार कर रही अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिली थी, जो कि अतुलनीय है। अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों पर कई वर्षों तक अत्याचार किया और हमें गुलाम बनाकर रखा। एक कहावत है कि पाप का घड़ा एक दिन अवश्य फूटता है। इसी कहावत के अनुसार 15 अगस्त के दिन हमें अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। आज़ादी के अधिक प्रयास में हमने देश के महान व्यक्तियों को भी खो दिया। हमारे देश में ऐसे कई महान व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान तक की परवाह ना की और हंसते हंसते देश के लिए कुर्बान हो गए। देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान गांधी जी ने दिया। गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सत्य और अहिंसा जैसे शस्त्र का प्रयोग कर उन्हें भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। देश की आज़ादी में कई महान स्वतंत्रता सेनानी जैसे जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल इत्यादि कई ऐसे लोग थे जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया और भारत को अंग्रेजों की गुलामी के चुंगुल से आज़ाद करवाया। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इतिहास में हमें ऐसे महान क्रांतिवीर मिले। उन्होंने न केवल देश को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद करवाया और इसी कारण आज हम आज़ाद हैं और नई नई उपलब्धियों और नए मुकाम को हासिल कर रहे हैं। हमारा आज़ादी के 74 साल बाद हमारा देश हर क्षेत्र में प्रगति की ओर अग्रसर है। आज हमारी सैन्य ताकत इतनी अच्छी है कि दुनिया भर में इसकी मिसाल दी जाती है और कोई भी देश भारत पर आंख उठाने से भी घबराता है। हमारी सैन्य ताकत आधुनिक हथियारों से लैस है, जो किसी भी दुश्मन को पलक झपकते ही मिटाने की ताकत रखता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश प्राचीन काल से ही कृषि प्रधान देश रहा है और 15 अगस्त 1947 के बाद हमारे कृषि क्षेत्र में भी काफ़ी बदलाव आया है और हम कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों का इस्तेमाल कर हम कई ज़्यादा मात्रा में फसल का उत्पाद करते हैं। सन 1956 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दरमियान तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। ये नारा आज काफ़ी हद तक सिद्ध होता है और आज हम विज्ञान में भी काफ़ी तरक्की कर ली है। इसी वैज्ञानिक तकनीकों के कारण आज भारत चंद्रमा और मंगल तक का सफर तय कर चुका है। सैन्य विज्ञान कृषि के क्षेत्र में हम खुद को प्रगतिशील देश के समक्ष खड़ा कर पाए हैं, जहां हम भारत की नई तकनीकों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वहीं गुलामी के उस मंजर को कभी नहीं भूलना चाहिए जहां हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी अपनी जान की कुर्बानी दे दी। उन महान व्यक्तियों को याद कर हमारी आंखें नम हो जाती हैं और उन्होंने हमारी आंखें नम हो जाती हैं। उन महान महात्माओं ने हमारी देश के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। आज़ादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे, बची है लहू की एक बूंद भी रगों में तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम न होने देंगे। जय हिंद, जय कर्नाटक।